क्वालिटी दैट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल। दोस्तों, सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी की तरफ से राम सर का नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर डिजायर का होना बहुत जरूरी है, डीप डिजायर का होना बहुत जरूरी है। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है, वो इंसान उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक कहानी के माध्यम से मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट ने टीचर से सफलता का राज पूछा। उन्होंने कहा कि सर, सफलता आखिर में मिलती कैसे है? लोग सरकारी नौकरियां कैसे प्राप्त कर लेते हैं? वो अपने अपने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ऐसा सब क्यों होता है? हमको सफलता क्यों नहीं मिली? तो टीचर ने, अब देखिए क्या कहा। टीचर ने स्टूडेंट से दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन स्टूडेंट टीचर से मिलने नदी के किनारे पहुंच गया। टीचर ने उसे नदी के अंदर जाने के लिए कहा। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो टीचर ने अचानक स्टूडेंट का सिर पानी में डुबो दिया। स्टूडेंट पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन टीचर ने स्टूडेंट को पानी में ही डुबो ही रखा। जब स्टूडेंट का शरीर नीला पड़ने लगा, तब टीचर ने स्टूडेंट का सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही स्टूडेंट ने सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। लेकिन टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, हवा की। टीचर ने कहा कि यही सफलता का मूल मंत्र होता है, सफलता का यही राज है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब उसी दिन तुम्हें सफलता मिल जाएगी। जीवन के अंदर दोस्तों एक बात याद रखना, गहरी इच्छा हर अचीवमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। दोस्तों, मुझे एक डॉन गैवन, जो कि ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता थे, उनकी एक बात याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते थे कि जब मैं प्रैक्टिस करते करते थक जाता था और थक कर थोड़ा रेस्ट करने का मन करता, तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोचकर देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं और मेहनत करता। जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है, तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि फेल हो जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश ही नहीं करना यकीनन सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप एक लाइक दें, और इस चैनल पर आपको डेली मोटिवेशनल वीडियोस मिलती हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।